अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका? कैसे हैं? ठीक हैं। दोस्तों, ये आपको शौक करवाने लगा हूँ मैं अपने कबूतरों का। इतना कारीगर तो नहीं हूँ मैं, बरल आपकी जो है वो राय का मुंतजिर हूँ। ये कबूतर है मेरा, बहुत ही अलग किस्म का दोस्तों, आपके शौक के लिए। ये बताएं जरा, ये कौन सी नस्ल है? मुझे तो पता कोई नहीं है। बरल हैं ये, फॉर सेल मैं आपको बताता चलूँ। ये मैंने सेल करने हैं सारे। ये मादी, ये कहते तो बांकों में से हैं। ये हमारे इधर ना साहिवाल में बहुत मशहूर नवाब थे, ज्यादा जैदी। ये उनकी जो है ना, वो तो अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे फौत हो गए। ये उनकी नस्ल है, ये देखें बनाई हुई। ये फीमेल है, ये देखें, ये फीमेल है। और इसके साथ जो नारा है वो जनाब, ये नारा है, ये फॉर सेल है। ये देखें, ये नारा है, ये बांके हैं जी, ज़्यादा जैदी वाले इधर हमारे बहुत मशहूर हैं। जो पहले आपको दिखाई थी वो मादी थी, ये नारा है। ये देखें जी, इसके पंजे हैं। कबूतर मुझे पकड़ना नहीं आता, बरल मुझे शौक है, लेकिन मैंने बाजी कभी नहीं उड़ाई। ये सारे ऐसे ही हैं। ये एक मादी चेक करें, ये बहुत ज्यादा किस्म की मादी है। ये देख, ये भी ज्यादा जैदी वाले हैं, इधर बहुत मशहूर हैं। उनकी जो है ना वो ब्रीड है, माशाल्लाह। आइस चेक करें जनाब इसकी, प्योर क्वालिटी है जी। ये इसके पंजे चेक करें। अब पर तो मैं अकेला बंदा हूँ, मैं चेक नहीं करवा सकता। ये ब्रीडर कबूतर है जनाब, ये जो मैं अभी आपको दिखाने लगा हूँ। ये बहुत ही अलग किस्म का ब्रीडर कबूतर है। इसके साथ जो मादी है और इसके बच्चे जो हैं, ये आप इसकी आंख चेक करें, माशाल्लाह। ये मेरा मेरा सबसे पुराना कबूतर है ये। इनके जो बच्चे हैं ना, इनके बच्चे जो हैं वो लगे हुए हैं एक दोस्त के पास। वो जो है वो हर जोली जो है ना वो मुझसे खरीद के ले जाता है। ये 1500 रुपए के हिसाब से हर जोली ले जाता है, जब वो दाना पानी खाने के काबिल हो जाते हैं। हर जोली तकरीबन 5-6 जोलियां जो है ना वो इस नर की वो ले के जा चुके हैं। बहुत परवाजी कबूतर है ये। बरल ये उड़ाया तो मैंने नहीं है, इसके बच्चे बहुत परवाजी हैं, सियाने बहुत हैं जो ना, वो सियान बहुत है उनमें। एक मरतबा जहाँ से छोड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने चेक किया था, वो बच्चा लेके गया था मैंने उनके घर चेक करने के लिए, तो वो
छोड़ा था तो पहले दिन ही वो उससे ना वहां से निकल गया और 3 दिन उसके घर के आसपास जो है ना वो भूखा प्यासा फिरता था, फिरता रहा था। बाद में पता नहीं किधर गया, कोई पता नहीं बिल्ली लेगी किधर गया। ये नर चेक करें जनाब, मैं आप दोस्तों के शौक के लिए। ये आंख जनाब इसकी, ये पंजा है जनाब इसका, बहुत ही आला किस्म का जनाब ये जानवर है। देखें जी, ये बहुत ही अच्छी आला क्वालिटी के जो है ना वो कबूतर है मेरे पास। मैं अब जाने लगा, ये टैडी है जनाब, ये देखें, कहते तो टैडी है, पता नहीं है कि नहीं है, ये अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं है कबूतरों का। लेकिन मैंने जो इकट्ठे किए हैं मेरे पास हैं, जो मैंने खरीदे हैं अपनी तरफ से, मैंने बहुत अच्छे बहुत आला क्वालिटी के कबूतर लिए हैं। ये जनाब आपके लिए ये नर है, ये देखिए शौक करे इसका, बहुत ही प्रवासी नर है जनाब। ये मादा मादी हैं मेरे पास, ये दोनों एक ही क्वालिटी के हैं। बच्चे 1 मिनट, ये जनाब इसकी आंख है, एक नंबर जो है ना वो, एक नंबर जो पुराने कबूतर हैं ये उनमें से है। ये जनाब ये बहुत ही परवाजी है माशाल्लाह, सुबह से ये मैंने अब काट दिया। ये जब पहले उड़ता था तो मेरे ख्याल में ये ना बच्चे ही उड़ा देते थे, मैंने तो कभी नहीं उड़ाया। वो देखता सुबह 7-8 बजे उड़ा देते थे, शाम को आता था घर। ये बाकी भी मेरे कबूतर तमाम ऐसे हैं, ये फॉर सेल हैं, अगर किसी ने खरीदने हो जनाब तो मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकता है। ये टैडी का एक ये जो नर है, ये देखिए आप, मादा इसकी बाहर है। ये जो कबूतर है जनाब ये बहुत ही आला क्वालिटी का है, ये देखिए नीली आंखें हैं इसकी, एक नंबर कबूतर है ये वाला, हर चीज की इसकी गारंटी है। ये मादी है एक, ये भी बहुत आला क्वालिटी की है, इसका पता नहीं है कि ये कौन सी नस्ल है कौन सी नहीं है। इसका नर जो है वो बाहर है, वरना वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी माशाल्लाह, ये मादी जो है ये मेरे दोस्त ने सियालकोट, सॉरी सर गोदा से गिफ्ट किया था जोड़ा। नर और इसकी इसकी वालदा और वालद तो गायब हो गए हैं, लेकिन ये मादी अब एक रह गई है उनकी, मेरे पास उनकी पट्टी थी, अब ये ब्रीडर बनी हुई है। ये भी बहुत प्रवासी थी, ये चेक करें जनाब इसकी आँख, ये जो है वो सेबे वाला नारा है जनाब, बहुत माशाल्लाह परवाजी है, बहुत ही कमाल परवाज है इसकी। ये इसको मैंने जो है ना वो उड़ाने के लिए रखा हुआ है, ये उड़ता है, अल्लाह का शुक्र है। ये बहुत बहुत देर तक ना तो मैं बादाम मैंने कभी खिलाए हैं, ना मैंने कोई और चीज़ खिलाई है, अल्हम्दुलिल्लाह जितनी देर हो गई है मुझे पिजन रखे हुए कबूतर रखे हुए शौक किए हुए, मुझे 4-5 साल हो गए हैं आज तक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मेरे कबूतरों में बीमारी नहीं पैदा हुई। ये अल्लाह ताला की ज़ात का बहुत बड़ा एहसान है, आज तक मेरा कोई कबूतर बीमार नहीं हुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें ये मादा पता नहीं कौन सी नस्ल की है, ये देखा आप खुद ही चेक कर लें कैसी है। ये जनाब ये बच्चे हैं मेरे, ये कबूतर के एक जोड़े के हैं, ये परमानेंटली ये जो है ना ये बुक हो गया मैं, ये नेक्स्ट जो है ना बाजी जो आएगी उसके लिए वो दोस्तों ने जिद की है। एक जोड़ी ये है उसी जोड़े की, और एक जो इधर तैयार हो रही है ये का में आप, ये मैंने उनके अंडे बदल दिए थे, क्योंकि उन्होंने ना दोस्तों ने कहा था कि हमें जो है ना वो दड़े में उड़ाने हैं,
कबूतर, ये देखें ये कबूतर मेरा है, किधर चेक करेंगे, माशाल्लाह कमाल के, बहुत पसंद करते हैं जी लोग हमारे कबूतरों को, आगे अल्लाह बेहतर जानता है जी, कहते तो हैं बहुत अच्छे हैं, इनर चेक करें, बहुत ही आला क्वालिटी का है।